हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। आज हम पढ़ेंगे फेरम फॉस। तो ये जो मेडिसिन है ये भी एक शूजलर की दी हुई बायोकेमिक रेमेडीज में आती है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो इसका प्रूवर है वो है डॉक्टर जे सी मार्गन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम भी फेरिक फॉस्फेट है। इसके अलावा इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, इट इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनिक टिश्यू सॉल्ट्स इंट्रोड्यूस बाय शूजलर। तो ये शूजलर की दी हुई रेमेडीज़ है। जैसे आपने शूजलर की थ्योरी पढ़ी होगी, उसके अंदर 12 टिश्यू रेमेडीज़ दी थी शूजलर ने, तो उसमें से एक इसे कंसीडर किया जाता है। इट्स फंक्शन इज़ टू लेंड कलर और पिगमेंट टू द ब्लड कॉर्पसल्स। तो ये जो ब्लड कॉर्पसल्स क्या होती हैं, जो ब्लड में जैसे आरबीसी वगैरह है, तो आरबीसी के अंदर ये कलर देती है। कलर कैसे देगी? आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से, है ना। हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट होता है आयरन। तो ये इसमें जो फेरम है दैट इज़ आयरन, तो इनडायरेक्टली ये ब्लड कॉर्पसल्स के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हीमोग्लोबिन ही क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करता है और हीमोग्लोबिन बनाने में आयरन का यूज़ होता है, तो इसीलिए ये ऑक्सीजन कैरी करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। द डेफिशिएंसी इन दिस सेल सॉल्ट लीड्स टू डिस्टर्बेंस ऑफ सर्कुलेशन। अगर इसकी कमी होगी तो उससे क्या होगा, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डिस्टर्ब सर्कुलेशन अगेन इन इट्स स्ट्रेंथ कॉजेज अदर डिस्टर्बेंसेज इन द नॉर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ द ह्यूमन सिस्टम। अगर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो उससे बॉडी में और तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दिस रेमेडी नीड्स थॉरो प्रूविंग फॉर डिटेल सिम्टोमेटोलॉजी। इसकी अच्छे से प्रूविंग अभी तक नहीं हुई, जितना भी थोड़ी बहुत प्रूविंग हुई है वो अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। द सिम्टम्स अवेलेबल आर डिराइव फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ शूजलर प्रूविंग बाय जे सी मार्गन एंड सम क्लिनिकल एक्सपीरियंसिस ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स। तो ये इसकी थोड़ी बहुत जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स वगैरह ने जो भी इसमें सिम्टम्स ऑब्जर्व किए हैं वो अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लिनिकली ये डिबिलिटी, ईयर अफेक्शंस, एपिस्टेक्सिस, फीवर, हेड एक, हेमेटूरिया, हीमोटाइसिस, हेमरेज, इन्फ्लामेशन, इंजरीज, प्लूरेसी, निमोनिया, रोमेटिज्म, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, वेरिकोज वेन, इन सब चीज़ों के अंदर यूज़ होती है। स्वेयर ऑफ एक्शन क्या है? मेन एक्शन इसका होता है ड्रग, द मेन एक्शन ऑफ दिस ड्रग इज़ ऑन रिलैक्स मस्कुलर टिश्यू एंड ब्लड कॉर्पसल। तो मेन क्या है, मस्कुलर टिश्यू पे है और ब्लड कॉर्पसल्स पे है। ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि जैसे आरबीसी हो गई। गाइडिंग सिम्टम पढ़ते हैं इसके। फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल फेब्राइल डिस्टर्बेंसेस एंड इन्फ्लामेशन बिफोर एक्सुरेशन सेट्स इन। फिब्राइल का मतलब होता है फीवर। तो जैसे जो फीवर है फर्स्ट स्टेज में है तो उसमें हम फेरम फॉस दे सकते हैं। कोई इन्फ्लामेशन की कंडीशन है तो इन्फ्लामेशन के अंदर हम फेरम फॉस दे सकते हैं। उसके बाद इन अर्ली स्टेजेस ऑफ फेब्राइल कंडीशन इट स्टैंड्स मिड वे बिटवीन द एस्थेनिक एक्टिविटी ऑफ एकोनाइट एंड बेलेडोना, एस्थेनिक स्लगिशनेस एंड टॉर्पिडिटी ऑफ जेलसीमियम। एस्थेनिक का मतलब होता है इन्वॉल्विंग, ठीक है। तो मतलब ये एकोनाइट, बेलेडोना और जेलसीमियम, इनके बीच का कई ऐसे इसके सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं। इन मेडिसिन के सिम्टम्स के साथ फेरम फॉस के सिम्टम थोड़े मेल खाते हैं। नर्वस, सेंसिटिव, अनीमिक पर्सन विद फॉल्स लिथोरा एंड ईजी फ्लशिंग। देखो बॉडी के अंदर क्या है, कमी है, ब्लड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मतलब ब्लड इन द सेंस हीमोग्लोबिन नहीं है, क्योंकि फेरम फॉस जो है वही हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर फेरम फॉस की डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली ब्लड की कमी है, लेकिन दिखने में वो पर्सन कैसा होगा, लाल होगा, एकदम रेड रेड होगा, तो उसे ऐसे लगेगा बॉडी में बड़ा खून है इसके। फोर्थ है हैमरेज, ब्राइट रेड ब्लड फ्रॉम एनी ऑरिफिस। तो कोई भी मतलब किसी भी तरह की हैमरेज होती है उसमें हम फेरम फॉस दे सकते हैं। इट कॉरेस्पॉन्ड टू ग्रोवॉल्स ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे ना ग्रोवॉल्स ने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशंस दे रखे हैं, जैसे एक होता है ऑक्सीजनॉइड, वैसे एक हाइड्रोजनॉइड, एक कार्बोनाइट्रोजनॉइड होता है। उसके बारे में भी अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जो ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ऐसा होता है जिस जिन पर्सन की बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़। फिर है डिज़ायर फॉर स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट क्या होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया या फिर कोई कॉफ़ी है, ये सारे स्टिमुलेंट्स होते हैं। एवर्जन टू मीट एंड मिल्क, मीट और मिल्क से इसकी कंप्लेंट्स थोड़ी बढ़ती हैं। आगे हम जब इसके पर्टिकुलर्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता लगेगा कि मीट और मिल्क से कुछ डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। हेडेक, बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशन। तो हेडेक है लेकिन ठंडा एप्लीकेशन से, कोल्ड एप्लीकेशन से उसे अच्छा लग रहा है, ठीक है, रिलीफ मिल रहा है हेडेक में। एलिमेंट्स भी कैसे हैं, सन हीट की वजह से, ज़्यादा गर्मी में बैठ लिए या ज़्यादा ठंड में एक्सपोज होने की वजह से,
तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाला कि हेडेक कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ मिल रहा है लेकिन एक्सपोजर टू कोल्ड और सन हीट से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। फिर माइंड, इनडिफरेंस टू ऑर्डिनरी मैटर्स, लॉस ऑफ करेज एंड होप, बेटर आफ्टर स्लीप, इनएबिलिटी टू कमांड द राइट वर्ड्स और एक्सप्रेस हिमसेल्फ। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है काम में, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। साथ में लॉस ऑफ करेज एंड होप, मतलब उसके अंदर ज़्यादा जोश हिम्मत नहीं है कोई भी काम करने की, ना ही उसको लाइफ को लेके कोई होप है। और बेटर आफ्टर स्लीप, सोने से उसको थोड़ा अच्छा फील होता है मेंटली। इनएबिलिटी टू कमांड द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस, तो अपने सही शब्द नहीं मिल पाते अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं इसके पर्टिकुलर्स में। पर्टिकुलर्स में देखो, सबसे पहले दिया हुआ है इसका हेडेक। हेडेक में आपको दिख रहा होगा क्लियरली, हेडेक में दिया हुआ है कॉजेशन, जैसे सन हीट कोल्ड, यही चीज़ें जैसे हमने एलिमेंट्स में पढ़ा था वही सन हीट और कोल्ड की वजह से हेडेक हो रहा है। लोकेशन क्या है? राइट साइडेड हेडेक है, वर्टेक्स से सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में जा रहा है, राइट साइडेड है, ठीक है। सेंसेशन क्या है? वर्टेक्स से जा रहा है सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में, ये ध्यान रखो इसका। सेंसेशन जैसे कंजेस्टिव हेडेक है, थ्रॉबिंग सेंसेशन है, ब्रूइजिंग, प्रेसिंग, स्टिचिंग पेन, सोरनेस टू टच, कोल्ड, नॉइज, जार, तो वही सेंसेशन हो रही है जैसे सिर फट रहा है, थ्रोबिंग सेंसेशन है, स्टिचिंग पेन होना है, ठीक है, सिलने ऐसे सुई चल रही है ऐसे स्टिचिंग पेन है, ब्रूइजिंग, ब्रूइज लग गया हो जैसे, ठीक है, उस नील पड़ गया हो ऐसे टाइप का जैसे पेन होता है वैसा टाइप का हेडेक हो रहा है। एग्रेवेशन हो रही है राइट साइड से, क्योंकि राइट साइडेड हेडेक है, राइट साइड से ही एग्रेवेशन होगी, हेड शेक करने से होगी, स्टूप करने से, आगे झुकने से, मोशन से, ठीक है, ज़्यादा मोशन करने से एम्ल्यूरेशन मिलेगा कोल्ड एप्लीकेशन से। तो वो हमने पढ़ा ही था यहाँ इसके गाइडिंग सिम्टम में कि कोल्ड एप्लीकेशन से इसको हेडेक में रिलीफ मिलता है। फिर आते हैं इसके आई सिम्टम्स। आई सिम्टम में जैसे कि एक्यूट कंजक्टिवाइटिस दिया हुआ है, हाइपरीमिया ऑफ ऑप्टिक डिस्क एंड रेटिना विद ब्लर्ड विजन, तो कंजक्टिवाइटिस में भी हम दे सकते हैं इसको हाइपरीमिया ऑफ ऑप्टिक डिस्क, जहाँ पे हाइपरीमिया मतलब होता है ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो जाना किसी भी जगह पे, ब्लड एक्सेस में हो जाना। ऑप्टिक डिस्क में अगर ब्लड एक्सेस हो जाए, रेटिना विद ब्लर्ड विजन, रेटिना में ब्लर्ड विजन हो गई है, रेटिना और ऑप्टिक डिस्क में ब्लड भर गया है और विजन धुंधली हो गई है, आईज सूजी हुई है, इन्फ्लेम्ड है। साथ में रेड विद गनिंग सेंसेशन, सोर एंड रेडनेस, लुकिंग एंड रेटिनल कंजेशन। इसमें क्या है कि रेडनेस है ना बेसिकली हर जगह, जहाँ पे भी ब्लड इन्वॉल्व है वहाँ पे हम दे सकते हैं। आई कंप्लेंट्स में भी क्या है कि हाइपरीमिया मेन, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन, ये दो तीन चीज़ें आप लिख दो। ग्रेन लाइक सेंसेशन होती है आईलिड्स में। ईयर में क्या होता है? ओटाइटिस, फर्स्ट स्टेज, जैसे इसके अंदर क्या होती है, सारी फर्स्ट स्टेज वाली कंप्लेंट्स में हम देते हैं, जैसे आई कंप्लेंट भी फर्स्ट स्टेज की थी, ईयर कंप्लेंट भी फर्स्ट स्टेज की है ओटाइटिस, क्योंकि हमने गाइडिंग सिम्टम में पहला सिम्टम ही यही है कि फर्स्ट स्टेज कंप्लेंट्स में दिया जाता है। फीवर हो गया जैसे, उसके अंदर दे देते हैं। मेम्ब्रेन टिम्फेनाई रेड एंड बल्जिंग, और रेडनेस होती है इसके अंदर भी आई की तरह ही, ईयर में भी आपको रेडनेस मिलेगी, ब्लड एक्यूमुलेटेड होगा। ईयर एक आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड एंड वेट इन्फ्लामेटरी ईयर एक विद बर्निंग, थ्रॉबिंग पेन और शार्प स्टिचिंग पेन, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, कान में दर्द हो उसमें हम दे सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन हो रही है, थ्रॉबिंग पेन हो रहा है कान के अंदर, ऐसे फटने टाइप का हो रहा है, टस टस टाइप का पेन हो रहा है, स्टिचिंग पेन हो रहा है, ठीक है, उस तरीके के पेन में भी हम फेरम फॉस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है थ्रोट। थ्रोट में क्या है? इन्फ्लामेशन है अगर थ्रोट की, ये जो फॉल्सेस क्या होता है कि ये जो माउथ का आर्क होता है ना, आपको जब आप मुंह खोल के देखोगे आपके आपको एक आर्क नजर आएगा जो कि आगे फेरिंग्स की ओर खुलता है, उस पार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन मिल सकती है, थ्रोट में अल्सर मिल सकता है, सोर थ्रोट, ड्राई हो सकता है, रेड इन्फ्लेम्ड होगा विद मच पेन, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है, कोई भी कंप्लेंट हो आप लगा दो फर्स्ट स्टेज है उसमें दे सकते हैं, रेडनेस हो रखी है उसमें दे सकते हैं, इन्फ्लेम्ड है, ये तीन पॉइंट हर एक में लगा दोगे काम हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स का। डिप्थीरिया टू लेसन द फीवर। डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया इज सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है इसमें, तो उसमें हम दे सकते हैं, सोर थ्रोट के अंदर दे सकते हैं। स्टमक है, स्टमक के अंदर एवर्जन है टू मीट एंड मिल्क, डिजायर फॉर स्टिमुलेंट, फर्स्ट स्टेज ऑफ गैस्ट्राइटिस, तो स्टमक में जैसे हमने पढ़ा था कि एवर्जन, जैसे गाइडिंग सिम्टम जब पढ़े थे मैंने बोला था मीट और मिल्क से इसमें एवर्जन होता है, तो स्टमक कंप्लेन्स भी मीट और मिल्क